नाउ अब हम करते हैं मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर के बारे में। मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर क्या है? व्हाट इज, पहले तो बात है कि गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज टू डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो है गैल्वेनोमीटर होता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो जो गैल्वेनोमीटर होता है वो हैवी करंट्स को नहीं मेजर कर सकता। सो ये पूछा है कि डज गैल्वेनोमीटर मेजर हैवी करंट? नो, हैवी करंट को नहीं कर सकता क्योंकि इसकी कॉयल जो है स्मॉल होती है। इट कैन ओनली मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है वो गैल्वेनोमीटर के अंदर हम डिटेक्ट करते हैं। फिर बात आती है कि अगर जो है गैल्वेनोमीटर से स्मॉल अमाउंट करंट का डिटेक्ट करते हैं, तो प्राइमरी पर्पस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट द मेजरमेंट ऑफ द करंट। मेजरमेंट के लिए हम आगे इंस्ट्रूमेंट आगे यूज करेंगे, हम आगे बताएंगे उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे, वोल्टेज को मेजर, हाउ डू वी मेजर करंट एंड वोल्टेज, हाउ डू वी क्लेम दैट द करंट इन ए सर्किट इज दिस मच और एंड वोल्टेज इज दिस मच, कि कितनी है, 1.5 एम्पियर करंट है, 1.2 वोल्टेज जो है वोल्टेज ड्रॉप है। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एग्जिबिट ए वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस पर्पज। स्मॉल अमाउंट करंट की, स्मॉल अमाउंट को यूज करने के लिए यूज करना है इसको, हैवी के लिए नहीं यूज करना है। नाउ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर है क्या? इसका जो है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर स्मॉल करंट को जो है पता करने के लिए है। दिस इज द, ये हमारे सामने एक इमेज है। इस इमेज के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ और साउथ, एन और एस जो लिखा हुआ है, ये दो मैग्नेट के पोल हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इन दोनों मैग्नेट के बीच में जो है एक कॉयल, या तो सर्कुलर या रेक्टेंगुलर की फॉर्म में जो है कॉयल को यहाँ पे वाउंड करके रखा जाता है। इसके ऊपर फिर एक ये जो है आपको एक और फर्दर कॉयल नजर आएगी, दिस इज ए स्प्रिंग। ये स्प्रिंग जो है हेयर लाइक स्प्रिंग होता है, बहुत बारीक स्प्रिंग होता है। उस बारीक स्प्रिंग के साथ आगे जो है जो रॉड है, रॉड के साथ आगे एक नीडल लगी होती है। नीडल जो है स्केल के साथ अटैच की होती है, उस स्केल से हमें पता लग जाता है कि इसका करंट जो है कितना होगा। तो ये एक बेसिक सेटअप है इसका, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर का। और इसके बाद हम आगे करते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि यूजेस क्या है। डिफरेंट इक्विपमेंट्स के अंदर जो है ये मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर जो है यूज होता है टू डिटेक्ट द करंट। तो बहुत सारे आपने जो एग्जाम्पल देखे होंगे, एरोप्लेन बहुत बारी आप देख चुके होंगे, एरोप्लेन के अंदर फिल्मों में या कहीं पे भी दिखाया जाता है। एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे ऐसे मीटर लाइक लगे होते हैं, दीज आर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर्स। ये अमाउंट करंट की जो है डिटेक्ट करके बताते हैं कि अलग अलग सर्किट में कहाँ पे क्या करंट चल रहा है। तो दिस इज द कॉकपिट ऑफ द एरोप्लेन, और कॉकपिट ऑफ एरोप्लेन जो है इसके अंदर मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर दिखाए गए हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट है कि किस प्रिंसिपल पे जो है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर काम करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल है, पीछे बात की थी कि कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके जो है ये, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है कॉयल के अंदर से रोटेट होती है और वहाँ पे उसकी मोमेंट होती है। मोमेंट से हम नीडल के डिफ्लेक्शन से हम पता कर लेते हैं। तो दैट इज द प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये लूप को रखा जाता है तो इसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, मैक्सिमम टॉर्क होता है और नेट फोर्स उसके ऊपर नहीं होता है। अभी इसके बारे में फर्दर आगे बात करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 10 नंबर ऑफ टर्न्स पी क्यू आर एस वाउंड ओवर ए नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम। एक नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक फ्रेम के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे कॉयल को रेक्टेंगुलर बनाया जाए, या सर्कुलर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगुलर ही हो। सो कॉयल इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए टॉरिजन हेड। टॉरिजन हेड से जो है उसको लटका दिया जाता है कॉयल को, बाय मीन ऑफ फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू जो है उसको लटकाया जाता है, और किसके बीच में लटकाया जाता है, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में उसको रखा जाता है।
मैग्नेट जो हमने रखे हैं अंदर मैग्नेट के बीच में। ए मिरर इज अटैच्ड टू द फॉस्फर ब्रांच स्ट्रिप, एक मिरर को अटैच किया जाता है, और दूसरे एंड पे जो है एंड ऑफ द कॉयल इज कनेक्टेड टू द हेयर स्प्रिंग। दूसरा जो है वो हेयर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर ही आप इसमें देखिए, दूसरा एंड जो है यहाँ पे अटैच किया जाता है हेयर स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इस दूसरे डायग्राम में आपको क्लियर नजर आ जाएगा। तो जो करंट जो दिया जाता है वो T1 और T2 अलग अलग आपको जो पॉइंट नजर आ रहे हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से ही कॉयल कनेक्टेड है। T1 से जो है ये स्प्रिंग के थ्रू होते हुए कॉयल तक पहुंच जाती है, और T2 जो है वो पीछे की तरफ से आपको दूसरी कॉयल के अंदर एंट्री करते हुए नजर आता है। ओके, द कनकेव और सिलेंड्रिकल मिरर जो पोल हैं मैग्नेट के, जो पोल हैं N और S जो नजर आ रहा है, नॉर्थ और साउथ जो नजर आ रहा है, ये जो है इंश्योर करते हैं कि जो प्लेन है जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जो है ये कॉयल प्लेन होना चाहिए। जो प्लेन ऑफ द कॉयल है दैट इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में यहाँ पे आप आएंगे तो ये इधर देखिए, तो ये टॉर्क पैदा हो जाएगा इसके अंदर, टॉर्क इसमें जनरेट हो जाएगा, और टॉर्क जनरेट टाउ इज इक्वल टू NIBA cos θ, और दूसरा जो है कॉयल की तरफ हम देखेंगे तो NIBA sin A, NIBA cos θ, टाउ N नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, कितना है मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया ऑफ कॉयल, एंड एंगल थीटा और साइन ए ये कॉयल के अंदर और स्प्रिंग के अंदर जो है एंगल कौन से बनेंगे वो बात है। तो पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है रख दिया जाता है, कि किसी ऐसे बॉक्स में इसको रखा जाएगा जिसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, अलग से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, और लेवलिंग स्क्रू वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उसको जो है बैलेंस किया जा सके। उसके बाद जो है टोरिजन हेड को जो है करंट से कनेक्ट कर देते हैं, और करंट से कनेक्ट करने के बाद फिर आगे आगे की वर्किंग हम आगे देखते हैं अभी। व्हेन करंट इज पास थ्रू द कॉयल PQRS, जब PQRS कॉयल के अंदर से करंट जनरेट होगा तो कॉयल के ऊपर टॉर्क लगेगा, दैट इज कॉल्ड NIBA sin A, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल है, द प्लेन ऑफ द कॉयल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ए की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, तो टाउ इज इक्वल टू NIBA, NIBA हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कॉयल जो है, जैसे इसमें करंट जाएगा तो कॉयल रोटेट करेगी और फॉस्फोब्रोन स्ट्रिप जो है वो ट्विस्ट हो जाएगी, और ट्विस्ट होते ही उसके बाद उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और डिफ्लेक्शन होने के बाद फिर जो स्प्रिंग हमने इसके ऊपर लगाया है, जो स्प्रिंग लगा हुआ है हेयर लाइक स्प्रिंग, उस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क जो है, रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा और वो कॉयल को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का काम करेगा। फाई जो है एंगल हम मान लेते हैं कि द ट्विस्ट कितना ट्विस्ट हुआ है, दैट इज एंगल फाई, और सी जो है रिस्टोरिंग टॉर्क यूनिट ट्विस्ट होता है, सी जो है उसका कांस्टेंट होता है कि कॉयल के अंदर कितना रिस्टोरिंग टॉर्क है, अलग अलग कॉयल के ऊपर, अलग अलग मटेरियल के ऊपर, अलग अलग उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो सी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहती है पर यूनिट ट्विस्ट, ये हो जाएगा टाउ NIBA इज इक्वल टू फाई सी हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में जब आएंगे कि जैसे दोनों का बैलेंस हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क और इंड्यूस टॉर्क दोनों जब बैलेंस हो जाएंगे तो NIBA इज इक्वल टू फाई सी, और यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास C φ/NBA, तो यहाँ से इससे हम उसकी करंट का जो है अमाउंट बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ कांस्टेंट है, C की वैल्यू हमें पता है, N नंबर ऑफ टर्न्स पता होंगे, B की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड पता होगी, एरिया पता होगा और एंगल पता होगा, तो उससे हम करंट बता सकते हैं कि इसके अंदर करंट कितना जनरेट हुआ है। तो ये सब कांस्टेंट होने की वजह से जो वेरी करेगा वो क्या करेगा, आई की वैल्यू वेरी करेगी, तो हमने आई इज इक्वल टू जो है वो जी रख दिया, जी के अब जी का मतलब क्या है कि CNBA जो है सारे के सारे कांस्टेंट है, दैट दीज आर कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो जो करंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, यानी कि एंगल के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर के ऊपर जो है एक लीनियर स्केल लगा होगा, और वो जो है हमें स्केल जो है बता देगा कि इसके अंदर कितना करंट आया है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर।